श्री चंडिका दास अमृतराव देशमुख, जिन्हें हम सब नानाजी देशमुख के नाम से ही अधिक जानते हैं। नानाजी जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वे अटल जी के बाद दूसरे ऐसे स्वयंसेवक हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। नानाजी न केवल विलक्षण व्यक्तित्व थे, बल्कि समाज जीवन और राजनीतिक जीवन में वे एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, किंतु नानाजी ने यह कहकर मंत्री का पद ठुकरा दिया कि मैं 60 वर्ष का होने को हूँ और 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सरकार से बाहर रहकर समाज में सेवा कार्य करना चाहिए। इस प्रकार 1980 में 60 साल की उम्र में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आदर्श की स्थापना की। इसके बाद नानाजी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। बिना किसी प्रचार के वे आश्रमों में रहे और सेवा कार्यों के लिए दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। नानाजी ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। वे इसके पहले कुलाधिपति भी रहे। नानाजी का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कड़ोली गांव में हुआ था। नानाजी का आरंभिक जीवन बेहद अभावों में गुजरा। उनके माता पिता का निधन हो गया, ऐसे में उनके मामा ने नानाजी का लालन पालन किया। नानाजी के पास विद्यालय का शुल्क देने और पुस्तकें खरीदने तक के लिए राशि नहीं होती थी, किंतु शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा थी कि उन्होंने सब्जी बेचकर पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। वे मंदिरों में रहे और पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1930 के दशक में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। संघ के आदि सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने नानाजी को शाखाओं में आने के लिए प्रेरित किया। 1940 में नानाजी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सौंप दिया। वे प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश भेजे गए। अथक परिश्रम से 3 साल के भीतर गोरखपुर के आसपास संघ की 250 शाखाएं चलने लगीं। नानाजी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। 1947 में जब संघ ने राष्ट्रधर्म और पांचजन्य नामक 2 साप्ताहिक और स्वदेश हिंदी समाचार पत्र निकाला, तो नानाजी को इनके प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन पत्रों के मार्गदर्शक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और संपादक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के कहने पर नानाजी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के महासचिव का प्रभार ग्रहण किया। विपक्षी दलों के नेताओं से उनके मधुर संबंध रहते थे। इन्होंने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भेंट श्री राम मनोहर लोहिया से कराई, जिसके बाद भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया।
नाना जी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से कार्य किया। बलरामपुर लोकसभा सीट से वे सांसद रहे। बाद में 1989 में पहली बार नाना जी चित्रकूट आए और फिर जीवन पर्यंत यहीं रहे। 27 फरवरी 2010 को सतना में उनका निधन हो गया। नाना जी ने भगवान राम से प्रेरणा लेकर जनजाति एवं ग्रामीणों के कल्याण हेतु जीवन पर्यंत कार्य किए। चित्रकूट परियोजना या आत्मनिर्भरता के लिए अभियान की शुरुआत 26 जनवरी को चित्रकूट में हुई। नाना जी ने इस परियोजना में 500 गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुना था, जिस पर कार्य चल रहा है। निसंदेह यह परियोजना भारत और दुनिया के लिए एक आदर्श परियोजना है। तो ऐसे आदर्श व्यक्तित्व थे अपने नाना जी देशमुख। उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन।